हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है बीएसटी डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और एक नंबर भी गिवन है। हमको फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इन द बाइनरी सर्च ट्री दैट इज लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है। तो हमको वैसा ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो कि एन से छोटा और इक्वल हो सकता है इस बीएसटी में से, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आंसर, और इसको हम इंट मैक्स का जो वैल्यू है उसके इक्वल कर लेंगे। उसके बाद हम एक आंसर नाम का फंक्शन कॉल किए, ठीक है भाई। उसमें हम ये रूट पास किए और एड्रेस ऑफ आंसर पास किए और वीएन पास कर दिए, और एट लास्ट हम सिंपली ये आंसर को इस फंक्शन से रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इस आंसर नाम के फंक्शन को करते हैं डिफाइन, ठीक है। ये आंसर क्या क्या लेगा, एक तो ये रूट नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है, हम जो पास कर रहे हैं बेसिकली, और दूसरा एक है हमारा वेरिएबल ना, तो इंट स्टार आंसर और ये इंट एन जो कि है हमारा अपर लिमिट। तो अब हम क्या करते हैं, कंडीशन हम बेसिकली स्ट्री को ट्रैवर्स करेंगे कि अगर रूट नल के इक्वल है तब हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम आंसर को कॉल किए रूट के लेफ्ट के लिए, ठीक है, फिर आंसर पास किए और एन पास किए। और एक कंडीशन हम यहाँ चेक करते हैं कि यदि इफ रूट का जो डेटा है ना, यहाँ पे की यूज कर रहा है, ये रूट का जो की अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू एन है ना, तब उस केस में हमको एस्ट्रिक ऑफ आंसर में असाइन करना होगा रूट का की, ठीक है, रूट का की। यही काम हम फिर क्या कर लेंगे, राइट सब ट्री के लिए भी कॉल कर लेंगे रूट के राइट के लिए भी, और आंसर पास किए और एन पास किए, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। कंपाइल करके देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। आंसर क्या लिख रहा है, ये आंसर कैन नॉट बी यूज्ड फंक्शन, क्योंकि हमारा वेरिएबल और इसका भी नाम दोनों सेम है, ठीक। फिर काम करो, उसको वैल्यू बना लो, ठीक है, वैल्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर भी इसको वैल्यू बना लो, यहाँ पर भी वैल्यू बना लो, हो गया हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। वो कंपाइलेशन एरर था क्योंकि हमारा फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम इक्वल नहीं हो सकता है, अभी भी कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ओके ओके, यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे रिकर्सिव फंक्शन कॉल में, ठीक है, ये छोटा मोटा कंपाइलेशन एरर आता है, ठीक। तो एक्सपेक्टेड भी था टू और हमारा आउटपुट भी आ रहा है टू, ठीक है। तो सबमिट करके इस कोड को देखते हैं कि क्या कोड हमारा कहीं किसी भी टेस्ट केस पर फटेगा क्या। आइए चेक कर लेते हैं इसको। ओके, जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में गिवन क्या था, हम उसको एक बार आपको फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ये, ठीक है। हमको एक एलिमेंट के रिलेटेड उसका जो भी क्लोजेस्ट नेबर है, क्लोजेस्ट नेबर का मतलब जस्ट उसके बाद या उससे पहले कौन सा एलिमेंट होगा, नेबर दो हो सकते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, ठीक है। लेट्स से रियल वर्ल्ड में आपका घर भी है तो आपका नेबर एक ही नेबर नहीं हो सकता है ना, ठीक है, नेबर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। लेट्स से आप किसी एक रोड पे हैं, ठीक है, तो आपके लेफ्ट में भी हाउस होगा राइट में भी हाउस होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में हमको लेफ्ट नेबर से काम था, इसीलिए कह रहा है लेस देन और इक्वल्स टू एन। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन का था तब हम राइट नेबर की बात कर रहे हैं,
ठीक है, इस चीज को आप रिलेट कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या बोले। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा हम कोई सभी रॉकेट साइंस नहीं यूज किया, हम सिंपल एक ट्रैवर्सल यूज किए और हमारा काम बन गया। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर इस वीडियो को समझने में दिक्कत जाएगी ना, आप इस कोड को ड्रायरन करो, आपको अच्छे से हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। हम कुछ नहीं, हम सारे एलिमेंट को कंपेयर किए। एक और वे इसका हो सकता था, आप इसको अपने एरे में स्टोर कर लो या फिर वेक्टर में स्टोर कर लो, उसके बाद फाइंड आउट कर लो। ये थोड़ा हमारा एफिशिएंट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, इसमें बस रिकर्शन जो कॉल हो रहा है ना, तो हाइट ऑफ बीएसटी जो है उतना ही मेमोरी है ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि रिकर्शन जो हम कॉल करते हैं उसका भी तो मेमोरी होता है, वो भी तो स्टैक में मेमोरी लेता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।